नगर परिषद अध्यक्ष रमन भटनागर ने दो टूक शब्दों में कहा है कि जब तक शहर के विकास कार्य जो उनके कार्यकाल के दौरान लगाए गए हैं उनके कार्य पूरे नहीं होते हैं तब तक वो अध्यक्ष पद से त्याग पत्र नहीं देंगे। ऐसे में सभी पार्षदों को उनका अध्यक्ष पद पर बने रहना बुरा लगता है, तकलीफ देता है, तो वह उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। ऐसे में वह 20 जुलाई का इंतजार ना करें और जल्द से जल्द अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लेकर आएं। नगर परिषद अध्यक्ष नगर परिषद कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कह रहे थे। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो भाजपा समर्थित पार्षद उनसे लगातार दूरियां बनाए हुए हैं उनका इसका मुख्य कारण मेरे द्वारा उनके द्वारा करवाए गए गलत कार्यों को लेकर उनके ऊपर जांच बिठाना है, क्योंकि जो वार्ड पार्षद वर्तमान में अध्यक्ष पद का ताज पहनने का सपना संजोए हैं वह नगर परिषद की सब अतिक्रमण की जद में सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में उनका मेरे साथ दूरी बनाना स्वाभाविक है। अध्यक्ष ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के आशीर्वाद से ही उन्हें अध्यक्ष पद का ताज मिला था और यह ताज उन्होंने उस समय लिया है जब आजाद उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे थे और उन्होंने भाजपा एवं कांग्रेस दोनों ही उम्मीदवारों को धूल चिटाई थी। उस समय प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी लेकिन उनके और उनके परिवार की छवि भाजपा सरकार के साथ ही चलती आई है। ऐसे में उस दौरान उन्होंने सत्तासीन कांग्रेस सरकार को दरकिनार करते हुए भाजपा सरकार को विपक्ष में भी उनका साथ दिया था और कांग्रेस सरकार होने के बावजूद नगर परिषद में भाजपा का बिगुल बजाया। अध्यक्ष ने बताया कि आज जिस ढाई साल का ढिंढोरा भाजपा समर्थित पार्षदों ने पूरे शहर में बजा कर रखा है, ऐसे में मेरा उन पार्षदों से खुले रूप से सवाल है कि वो ऐसा एक भी पत्र डॉक्यूमेंट सार्वजनिक करें जिस पर ढाई वर्ष का कार्यकाल संबंधित शर्त लिखी हो। अध्यक्ष ने कहा कि ढाई वर्ष का कार्यकाल संबंधित बातों में ही हुई थी, ऐसे में वह अपनी बात से मुकरते नहीं हैं, अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे लेकिन इसके लिए उन्होंने जो शर्त भाजपा समर्थित पार्षद व सत्तासीन भाजपा सरकार के समक्ष रखी थी उसके ऊपर पूरी तरह अडिर हैं। जब तक उनकी शर्तों को माना नहीं जाता है तब तक वह अपने पद से त्याग पत्र नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए ऊपर वह अपने स्वार्थ के लिए नहीं शहर के विकास के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में सत्तासीन भाजपा सरकार जितनी जल्दी उनके कार्यकाल के दौरान लगाए गए कार्यों को पूरा करवाती है उतनी जल्दी अपने पद से त्याग पत्र देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी का कभी बुरा नहीं चाहा बल्कि बुरे वक्त में पार्टी का साथ दिया है, लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति बनी है कि सत्तासीन भाजपा सरकार नगर परिषद अध्यक्ष पद के विवाद पर पूरी तरह से चुप्पी साधे है। अध्यक्ष ने कहा कि हालांकि उन्होंने ढाई वर्ष का इकरार किसी के साथ नहीं किया था लेकिन फिर भी भाजपा सरकार को लगता है कि उनके कार्यकाल के दौरान विकास कार्य नहीं हुए हैं, जबकि 2 करोड़ से ज्यादा विकास कार्य उन्होंने मात्र 2 वर्ष में शहर में करके दिखाए हैं, तो वह अपने पद से त्याग पत्र देंगे लेकिन उनकी शर्त वैसी की वैसी रहेगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो तो बर्बली ऐसे ही वैसे तो मैंने तो जो चुनाव लड़ा था वो मैंने आजाद उम्मीदवार कर रहा था। वार्ड नंबर 1 से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे वो सुमन गुप्ता थे, वार्ड नंबर 1 से दीप कुमार थे और मैं 3 ही कार पर मैंने जो रहा आजाद लड़ा था। परंतु उस वक्त जो है कांग्रेस के भी 4 उम्मीदवार 3 जीते थे और एक राणा का और एक मैं आजाद को 4 भारतीय जनता पार्टी की जीती। अगर मैं उस वक्त जो मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ धूमल जी के ही आशीर्वाद से मैं नगर परिषद अध्यक्ष बना और मैंने उस वक्त जो है वो विपक्ष में थे और भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद निर्भर बनवाई। अगर मैं चाहता अगर मेरे मन में भी कोई होता लालच तो उस वक्त सरकार कांग्रेस की थी और राणा जी से मेरे ठीक है घरेलू संबंध है तो उनको पार्टी अपने की जगह है तो मैं भी कांग्रेस में जा सकता था, परंतु मुझे कोई किसी किस्म का लालच नहीं है। मैंने सिर्फ धूमल जी के ही आशीर्वाद से नगर परिषद पर्चा फहराया है, परंतु अब कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो मुझे धमकियां दे रहे हैं और बाजार में चर्चा का विषय बनाया है कि अध्यक्ष ने ढाई साल का किया था वो अपने भाई देश से ही मुकर रहे हैं। वो बर्बली बात हुई थी, मैं कोई मुकर नहीं रहा हूँ, परंतु जो पिछले 6 महीने से हमारा SDO का पद खाली है उसके लिए मैंने सांसद ठाकुर जी को एक बार बताया, अपने मुख्यमंत्री को बताया, परंतु वो इसी महीने हमें जो है PWD के SDO का चार्ज मिला है। इस वजह से हमारे 6 महीने में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई नगर परिषद के सारे काम बंद हो गए थे, कोई काम नहीं हो रहा था। परंतु जो अब वार्ड नंबर 2 का एक लिंक रोड है मेन जो हमारा वायदा था इलेक्शन कश्मीर का एक बहुत सारा बड़ा हार
और 840 भरने और गुजार का रकम रह गया था, वो काम ज़्यादा ज़्यादा हमारा 20 या 25 दिन का बकाया है। मैंने अशोक मेहरा को कहा कि हो सकता है कि 20 को दोबारा 2.5 साल हो गया, उसके बाद 20-15 दिन अगर और ज़्यादा रहते हैं तो उसके बाद इस्तीफा दे दूँगा। परंतु उन्होंने कहा कि मैंने 20 तारीख को ही प्रधान बनना, और उन्होंने अखबार में उल्टे सीधे बयान दिए। तो वो अपना लिख बताया कि इतना 2.5 साल का हुआ है, तो बड़ी बात हुई थी वो। ये अगर वो दोस्ती 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 करता तो उसको 20 दिन से कोई पहाड़ आसमान से पहाड़ गिर जाना था, 20 दिन में क्या हो जाना था। तो मैंने तो एक शहर के लिए डेवलपमेंट के लिए ही वहाँ रखी कि मैं भी एक सांसद अनुराग ठाकुर जी का जो 5 साल यहाँ पर उद्घाटन होते पुराने थे उसका मैंने इसी वजह देना था। तो अब ये धमकी दे रहे हैं कि हमारा हम ऐसे, अब क्योंकि कुछ कांग्रेस के पास जो भारतीय जनता पार्टी सब मिलती है, जब सरकार आती है तो सरकार के सब सब चल पड़ते हैं, तो हो सकता है उनके साथ उनका बहुमत पूरा हो जाए, तो इंतजार क्यों करें 20 साल का। अभी लाए नो कॉन्फिडेंस उतार दे रहे, तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। रही बात अगर उस वक्त भी, तो मैं चाहता तो मैं भी तो कांग्रेस के साथ जा सकता, परंतु मैं तो विपक्ष में थे, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, मैं तो